बेरोजगारी की वजह से पाकिस्तान में ऐसे हालात हो गए मानो वहां गृह युद्ध शुरू हो गया हो, यानी वहां भूख और बेरोजगारी से परेशान लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए हैं। पाकिस्तान से हाल के दिनों में आई कई तस्वीरें ये बता रही हैं कि अनाज के लिए लोग सड़कों पर ही लड़ रहे हैं, जबकि कुछ रोज पहले तो कराची से आए एक वीडियो ने पूरी दुनिया को दहला दिया। कराची के उस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया गया और दावा किया गया था कि दो लोगों ने अनाज लूटने के लिए एक दुकानदार को गोली मार दी थी। इस घटना में दुकानदार की मौत हो गई थी। इससे पहले भी वहां से आए एक वीडियो में कुछ लोग आटे की एक बोरी के लिए आपस में झगड़ते दिखाई दिए थे, जबकि बलूचिस्तान में तो गेहूं लेने पहुंचे लोगों पर पाकिस्तान की पुलिस ने ही गोलियां बरसा दी थी। तब दावा किया गया था कि इस फायरिंग में कई लोग घायल हो गए थे। और ऐसे ही हालात देखकर पाकिस्तान के लोग अपने लिए वहां की सरकार से मौत की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि शहबाज शरीफ सरकार महंगाई को काबू में करने की बात करके सिर्फ धोखा दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई किसी फाइटर जेट की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी डाउनलोड करो पड़ रही है। वहाँ की जनता का हाल यह है कि वो अब अपने लिए पाकिस्तान की सरकार से मौत मांग रही है। पाकिस्तान की आवाम शहबाज शरीफ सरकार से गुहार लगा रही है कि भूखे पेट मरने से अच्छा है कि वो खुद ही लोगों को मार दें। ऐसे करें बिना एक बम फेंक दे बड़ा सा तो आवाम मर जाएगी। पाकिस्तान में आटा पहले ही गायब हो चुका है, गैस भी लोगों के घरों से नदारद है।